नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जदयू में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में। बिहार में सरकार में जदयू को बहुत जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि यह बदलाव बूथ से लेकर राज्य और राष्ट्रीय कमेटियों में देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल प्रदेश में हुई विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी की स्थिति को देखते हुए अब पार्टी में नयापन लाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि यह बदलाव पिछले साल दिसंबर से ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव किया गया, जिसमें आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद से यह संकेत मिलने लगे थे कि पार्टी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। उसके बाद से राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह साफ हो गया कि पार्टी बदलाव के मूड में है। जदयू के प्रदेश की कमान नए अध्यक्ष यानी कि उमेश सिंह कुशवाहा को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि 2005 विधानसभा चुनाव के बाद से यह पहली बार है जब जदयू को सबसे कम सीटें मिली है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जदयू अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कुछ नया बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह साफ हो गया है कि जदयू आने वाले कुछ दिनों में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इधर शीर्ष नेताओं की हुई बैठक में पराजित हुए सभी 72 विधायकों यानी कि हारे हुए उम्मीदवारों से फीडबैक लिया गया। उम्मीदवारों ने नीतीश कुमार के सामने हार के कारणों को बताया। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने 2 दिन पूर्व यानी कि चुनाव के फीडबैक के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक की। इसके बाद दोनों शीर्ष नेताओं का कहना है कि बहुत जल्द एक और बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद से वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रदेश के संगठन का पूरा खाका अपने पास रख लिया है। उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा है कि दगा देने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा और काम करने वाले नेताओं को इनाम दिया जाएगा। ऐसे में यह साफ हो गया है कि काम करने वाले नेताओं को आने वाले दिनों में इनाम स्वरूप कई अहम पद मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जदयू अब एक बार फिर से अपने आप को तैयार कर रहा है। वह चाह रही है कि जदयू एक बार फिर से वही पार्टी बने जो लालू यादव को हराने के समय तैयार हुई थी। वह अपने वोटर हर क्षेत्र में बनाना चाह रही है। बिहार की राजनीति जाति के आसपास घूमती है। ऐसे में पार्टी हर जाति के लोगों में अपनी पहुंच बनाना चाहती है। ऐसे में पार्टी लवकुश को दल में सम्मान देने के बाद से दिलेश्वर कामत को राज्य संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर अति पिछड़ा समाज को तरजीह दी है। इधर प्रदेश में नए अध्यक्ष बने उमेश कुशवाहा को कहा जा रहा है कि वरीय नेताओं के विमर्श के बाद से अपनी कमेटी का विस्तार करेंगे और हर स्तर पर संगठन की कमेटियों में युवाओं और नौजवानों को तरजीह देंगे ताकि पार्टी में ऊर्जा लवरेज रहे। इधर पार्टी के अन्य नेताओं का यह भी कहना है कि आरसीपी सिंह का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से राष्ट्रीय कमेटी में जल्द ही पुनर्गठित होने की उम्मीद है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पार्टी आने वाले समय में सवर्णों को भी कई मोर्चों पर उतारने की बात कह रही है। आपको बता दें कि जदयू को बिहार विधानसभा 2020 में ही लगने लगा था कि पार्टी में युवाओं को जरूरत। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया था कि हमारा आखिरी चुनाव है, उसके बाद से पार्टी के अंदर नेताओं को यह कहना शुरू कर दिया था कि पार्टी में क्या होगा। चुनाव समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि हम तो यह हर चुनाव में कहते हैं, यह हमारा आखिरी चुनाव है। इसके बाद से पार्टी के अंदर बयानबाजी बंद हुआ और लगने लगा कि पार्टी में युवा नेताओं की जरूरत है। इसके बाद से विधानसभा चुनाव में जदयू को मात्र 43 सीटें मिलने के बाद से इस बात को और भी जोर मिल गया कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। हमने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को बदलते हुए देखा है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बूथ स्तर तक में युवाओं की तरजीह दी जाएगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि जदयू किस तरह के अपने संगठन को मजबूत करती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।